This is not a soup, it's actually a proper meal. Hi everyone, welcome back to my channel, it's CZ Official and welcome back to the soup series. एक और फटाफट से क्विक और इजी रेसिपी सूप की शेयर करने वाली हूँ. इसके अलावा दो सूप की रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. प्लीज जाइए और चैनल पर अवेलेबल है उसे जरूर देखिए. इंग्रेडिएंट देख लेते हैं. सो एक मुट्ठी के आसपास मैंने यहाँ पर पालक लिया है, चार टमाटर लिए हैं और दो मुट्ठी के आसपास मैंने ये दाल ली है, मूंग की दाल है, इसकी जगह साबुत मूंग की दाल भी आप यूज कर सकते हैं. एंड आधा लौकी लिया है, दो बड़े गाजर, एक पूरा चुकंदर, यहाँ पर मैंने ये 2-3 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, इतना ही मैं आगे भी इसे यूज करूंगी. एक हरी मिर्ची ली है. मसालों में धनिया पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया है. अब फटाफट से जो वेजीज है हमारी उसको हम कट कर लेंगे, मोटा मोटा कट करेंगे क्योंकि इसको हमें आगे चल के वैसे भी पीसना ही है. और इसमें डाल देंगे अपने कुकर में, दो विसल इसे देंगे. जब तक ये सारा काम हो रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहे हैं प्रोसेस स्टेप्स, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे एक पूरा प्रॉपर मील है. सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक प्रॉपर मील के 7 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि कार्ब्स हैं, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. सो कार्ब्स जो है वो फुलफिल हमारा कर रहा है बीटरूट, प्रोटीन हमें मिल रहा है दाल से, मूंग दाल हमने यहाँ पे यूज की है विद छिलका, एंड फैट जो है वो हमें घी से मिल रहा है जो आगे अभी हम तड़के में यूज करेंगे, विच इज एक्चुअली ऑप्शनल. आप नहीं यूज करना चाहते हैं आप डायरेक्टली इसको ग्राइंड कर भी पी सकते हैं. एंड फाइबर जो है वो लौकी और कैरेट से हमें मिल रहा है, विटामिन हमें मिल रहे हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल से और टमाटर से. सो इट्स अ प्रॉपर मील, इट कीप्स यू फुल फॉर अ वेरी गुड टाइम. हम इसे एक एज अ मील ही लेते हैं, रात में यूजुअली हम इसे बनाते हैं शाम के टाइम पे. आप लोग भी इसे बनाइए, जरूर ट्राई करिए. अब वापस आ जाते हैं रेसिपी में. सो हमने वो बॉईल कर लिया था, बॉईल करते टाइम पानी ज्यादा नहीं डालना है और जितने भी स्पाइसेस मैंने दिखाया जिसमें कि नमक है आपका, काली मिर्च पाउडर है और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, वो उसी स्टेज पर आप डाल दीजिए. बॉईल कर लीजिए दो विसल, कम्प्लीटली ठंडा हो जाए उसके बाद छान लीजिए, उसके बाद ग्राइंड कर लीजिए, बारीक कर लीजिए उसको. और जो भी आप ग्राइंड कर रहे हैं उसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, उसे इसी में हम ऐड कर देंगे. और जितना भी पानी आपको मतलब क्वांटिटी चाहिए, थिक पीना पसंद करते हैं और पतला पीना पसंद करते हैं सूप, वो अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग आप उसमें पानी ऐड कर लीजिए. टेस्ट एडजस्ट कर लीजिए, मतलब कि अगर नमक कम लग रहा है तो नमक डाल दीजिए और काली मिर्च का पाउडर यहाँ पर और ऊपर से डाल दीजिए. एंड जैसा मैंने कहा था कि 2 इंच का टुकड़ा मैंने वहां पर सब्जियों के साथ बॉईल किया था अदरक का, यहाँ पर भी मैं लगभग 2-3 इंच का टुकड़ा जो है वो ग्रेट करूंगी इसके ऊपर. और उसके बाद बस इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, 2-3 बॉईल दे दीजिए. उसके बाद इसे गार्निश कर दीजिए धनिया से, अदरक का जो जूलियन है उससे, और जीरा पाउडर से, काली मिर्च पाउडर से. उसके बाद इसे एंजॉय करिए. आई एम श्योर आप पसंद करेंगे, जरूर ट्राई करिए. मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी रेसिपी. इसके अलावा भी चैनल पर बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं सारे ही सेगमेंट्स की. तो प्लीज जाइए देखिए कैसे लगते हैं आपको वीडियोस, अपने फीडबैक जो है कमेंट्स में शेयर जरूर करिएगा. अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इट एक्चुअली कीप्स मी मोटिवेटेड कि मैं इस तरीके के और वीडियोस आपके साथ शेयर करूं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेकिंग योर टाइम आउट. ट्राई जरूर करना और मुझे बताना जरूर. और हाँ, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर करना. मिलते हैं एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ में. तब तक आप एंजॉय करिए ये स्लो मोशन.